हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हैं? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आप वीडियो की शुरुआत आप देख सकते हैं, मैं अपनी ये अलमारी दिखा रही हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मैंने दुआओं से पाई है। और मैं आपके सामने साथ एक बात को शेयर करना चाहती हूँ। ये मैं दिख रही हूँ, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो ये अलमारी है, ये मैंने आज से 4-5 साल पहले खरीदी थी। और इसको खरीदने के लिए मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं था। सच बता रही हूँ, शाम के समय झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। और जिस घर में हम लोग रहते थे, उस घर में कोई अलमारी नहीं थी, तो मैं अपने कपड़े ऐसे ही रखती थी इधर उधर कुर्सियों पे। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत बड़ा बॉक्स दिया, तो फिर मैं उस बॉक्स के अंदर अपने कपड़ों को रखने लगी। तो फिर मुझे इच्छा हुई अलमारी लेने की, क्योंकि मैं अपने किसी भी फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी तो वहाँ पे मैं अलमारी देखती थी, तो मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी अलमारी लूँ। तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी अलमारी चाहिए। तो मैं बहुत समय तक प्रार्थना करती रही, पर कोई भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, ना मुझे किसी ने कुछ गिफ्ट दिया कि मुझे अलमारी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को शेयर किया लेकिन नहीं हो पाया। तो एक दिन रात में प्रभु ने कहा कि जो तेरे पास है वो दे दे। मैंने कहा क्या देना है प्रभु? तो प्रभु ने कहा वो बॉक्स है ना, वो दे दे। मैंने कहा वो बॉक्स मैं अगर दे दूंगी किसी को तो फिर मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी? तो प्रभु ने कहा बस मैं कह रहा हूँ तू दे दे। तो मैंने कहा मैं किसको दूं? तो हमारे पड़ोस में ही एक आंटी, बुज़ुर्ग आंटी अंकल रहते थे, बहुत बुज़ुर्ग थे। उनकी मम्मी भी उनके साथ रहती थी, वो उनसे भी ज़्यादा बुज़ुर्ग थी। और वो अंडरग्राउंड रूम में रहते थे और बहुत गरीब थे वो। तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चूहे आते हैं, और चूहे हैं ना हमारे सारे गद्दों को और कपड़ों को खा जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि वो बॉक्स मैं उनको दे दूँगी। तो मैंने एक दिन उनको बुलाया और है ना, मैंने उनको बोला आंटी जी मैं ये बॉक्स आपको देना चाहती हूँ। तो बोले कि बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं किसको खरीदूँ। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं आपको है ना ये बॉक्स है ना ऐसे ही गिफ्ट दे रही हूँ, ऐसे ही दे रही हूँ आपको। तो वो आंटी बोली कि तुम सच बोल रही हो? मैंने कहा हाँ मैं सच बोल रही हूँ। और वो इतना खुश हुई, इतना दुआएं दी उन्होंने मुझे, और बोला कि है ना, मेरे को बोली कि तुमको भी एक बहुत अच्छी अलमारी मिले। तो मैंने कहा हाँ मैं यही दुआ कर रही हूँ। और वो आंटी इतनी, और उन्होंने सर पे हाथ रख के इतनी सारी दुआएं दी मुझे, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे, मेरे को ऐसा लगा कि मैं अगर अलमारी भी पाऊंगी तो इतनी खुशी को नहीं पा सकती। और मैंने बस दुआओं में ही रखा, और काफ़ी समय हो गया मुझे अलमारी नहीं मिली। मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला कि चलो हम अलमारी लेने चलते हैं, तो हंसने लग गए, बोले तुम्हारे पास पैसे हैं अलमारी लेने के लिए? मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं उस जगह पे उस अलमारी को देख रही हूँ और आप चलो मेरे साथ। तो हम लोग मार्केट गए और वहाँ पे मैंने एक दुकान में ये अलमारी पसंद करी, और जब इसका रेट पूछा तो इसका रेट था 13,500 रुपये। आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो ये देखिए मेरी अलमारी। तो मैंने कहा मुझे रेड कलर, येलो कलर मेरा फेवरेट है, तो मैंने कहा मुझे रेड कलर की ही चाहिए। और ये बोले कि देखो अगर तुम्हें चाहिए तो कोई दूसरी पसंद कर लो, छोटी सस्ती वाली, मैं दिला दूंगा बाद में। मैंने कहा नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो ये बोले देखो इतना तो मैं तुम्हें दिला नहीं सकता। और हम लोग घर आ गए, और मैं डेली उसी जगह पर जहाँ पे मैं अलमारी रखना चाहती थी, मैं डेली उसको देखती थी वहीं पर ही। और सच बताऊं गाइस कि मैं आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसी दिन से परमेश्वर ने इतना अच्छा बंदोबस्त किया कि धीरे 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 पैसे इकट्ठे होने लगे। और वो आंटी ने भी मुझे 600 रुपये ला के दिए। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, पर आंटी ने मुझे बोला कि नहीं। तो और फिर जब उन्होंने पैसा दिया और धीरे धीरे पैसे इकट्ठे हुए, और फिर मैं जब गई दुकान पे तो मेरे पास सिर्फ 9,000 रुपये ही हुए। और मैं दुकान पे विश्वास के साथ गई और मैंने उन दुकान वाले को बोला भैया इसमें थोड़ा और कम कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है 500 रुपये कम कर देता हूँ, 13,000 में ले जाइए। मैंने कहा नहीं 13,000 से भी और कम। बोले मैडम इतना तो हम नहीं कम कर सकते। मैंने कहा प्लीज़ कर दीजिए। तो उन्होंने 500 रुपये और कम कर दिए।
और मैं दुआ करती रही, अंदर दुआ करती रही, प्रभु मुझे यही अलमारी चाहिए और इतने ही पैसों में चाहिए। और उन्होंने धीरे 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 करते हुए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को 9,000 रुपये में उन्होंने ये अलमारी दे दी और मैं बहुत खुश हुई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी मेरे को उस समय हुई जब मैंने वो आंटी को वो बॉक्स दिया था और वो 600 रुपये फिर मेरे पास हुए, तब फिर मैंने वो आंटी को ले जाके वापस दे दिए। मैंने कहा आंटी आप रखिए ये पैसे। तो अब देखिए, जब हम किसी को कुछ देते हैं ना, तो जितनी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं या कुछ प्राप्त करते हैं तो उसमें नहीं होती, जितना हमें देने में हो जाती है। तो गाइज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप देना सीखिए। और मैं जानती हूँ बहुत से लोग देते हैं, बहुत बहुत प्रभु उनको आशीष दे, परमेश्वर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। और मेरी यही गुजारिश है आपसे कि आप देना सीखिए। देखिए एक बार देखे, अर्जेंट अगर नहीं भी मिलता है कुछ, तो देने में बहुत सुख और शांति मिलती है। वो सुख और शांति आप किसी भी पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज की शाम मेरा ये छोटा सा वीडियो प्लीज़ देखिएगा, और इसे आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक और कमेंट प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैं रोज़ मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखिए, कम पहले भी हो जाते बहुत, लेकिन हमेशा अन हो जाते हैं, तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी। पर मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को आशीष देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।